प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हिम्मत तो तुम ही को करनी है ना। तुम कुछ करो वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। जान दे तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारा बाप जो तुम्हारी शादी करवाने पर तुला हुआ है। ये माँ बाप का फर्ज है। मोहब्बत का कोई फर्ज नहीं, कोई गर्ज नहीं। अगर मेरा बाप ऐसी हरकत करता तो अगर तुम्हारा बाप ऐसी हरकत करता तो तुम उनसे कह देते कि तुम अपनी मर्जी से शादी करोगे। तुम्हें उस शादी से इनकार है? नहीं, क्योंकि माँ बाप की बात टालना गुनाह है। अब क्यों गुनाह? हाँ, क्योंकि मेरे बाप के हाथ में चाबुक है। और तुम्हें चाबुक से डर लगता है? हाँ। तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए था। अगर मैं पहले सोचता तो फिर हमारे प्यार की मंजिल। कौन सी मंजिल? तुमने मुझे झूठे ख्वाब दिखाए हैं। ठीक है, ख्वाब ही सही, लेकिन मजा तो आया। हाँ, मजा तो आया, लेकिन आगे? आगे क्या, यहाँ इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हालात इतने खराब हो रहे हैं, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, कब मौत आ जाए किसी को कोई खबर नहीं है। मैं तो खुद दंडों पर बैठकर आऊंगा और तुम्हारी दुकान के सामने आकर चिल्लाऊंगा, रज्जाक नानवाई। तुम मेरे बाप का नाम लोगे? नहीं नहीं, मैं उनसे कहूंगा रज्जाक चाचा मुझे अपने हाथ दे दो। जमीन उनके हाथ नहीं, मेरे हाथ, नसीमा के हाथ। ठीक है, मैं उनसे कहूंगा मुझे मेरी नसीमा के हाथ दे दो, मुझे उसके हाथ दे दो। और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये सब कब होगा? तब जब खुदा की मर्जी होगी, तब मिलना होगा। जमीन मिलने के लिए नहीं, सोचने के लिए। तुम रात भर में फैसला कर लो वरना मैं। रोटी दो भाईजान, सुनाई नहीं देता क्या? रोटी दो रोटी। अरे क्यों मेरी रोजी रोटी छीन रहा है? सारी रोटियां तुझे खिलाऊं तो खुद क्या खाऊं, बाल बच्चों को क्या खिलाऊं, तेरी आपे का पेट कहां से भरूं? तुम दोनों का पेट भरना बहुत मुश्किल हो गया है। अरे तेरे आने से 6 महीने का राशन भी पूरा नहीं पड़ता। जा, यहां कोई रोटी नहीं तेरे लिए। मैं क्या भीख मांग रहा हूँ? रोटी दे, रोटी दे, रोटी दे। आप अच्छा नहीं करे भाईजान, मैं तो अपना हक मांग रहा हूँ। हक? अरे तू कौन सा नया हकदार पैदा हो गया, हक मांग रहा है? हक मांगना तो वहाँ जा गांव में, वहाँ वो सड़ा सा मकान है ना, वहाँ जाके हक मांग। अरे मैं तेरा बहने भी हूँ, कोई तेरा बाप नहीं जो सारी जायदाद तेरे नाम लिख दूँ। मैं तो तुझे बड़ा झूला समझता था, लेकिन तू तो बड़ा खिलाड़ी निकला। आपने वादा किया था भाईजान कि जी भर रोटियां खाना, उफ तक नहीं करूंगा। अरे लेकिन उफ को कितनी देर रोकूं मेरे बाप, 10 मिनट 15 मिनट, अरे इतनी देर में तो मेरी पूरी दुकान साफ हो जाएगी। फिर वादा क्यों किया?
कौन सा वादा? मुझे कुछ याद नहीं। आपको कुछ याद नहीं? कुछ नहीं, वो आंगन वाली बात। कौन सा आंगन? कौन सी बात? वो जिगरी वाली बात। ए, जिगरी तो कब की मर गई है। वो जिगरी जो मैं लाया था। मैं किसी को नहीं पहचानता। बाप की कसम बोलो। अरे क्यों बाप की कसम खाऊं? बस नहीं पहचानता। नहीं पहचानते? नहीं, इसको भी नहीं पहचानते। तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुमने भी किया। अरे इसे दूर फेंक के क्यों नहीं आया? कल से लिए फिरा क्यों? सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहा था कि तुम मुझे रोटियां देते हो या नहीं। अरे मैं अपने मरे हुए बाप की कसम खाता हूँ, आज के बाद ये सारी रोटियां तेरी, ये दुकान भी तेरी। लेकिन पहले पहले मेरे बाप इसे कहीं दूर फेंका। अब आए ना ठिकाने पे। ओ यार महबूब खान, ये पोस्ट ऑफिस के लिए बड़ा दूर जाना पड़ता है यार। बुड्ढा हो गया क्या? हाँ एक जल गया। ओ तो नया क्यों ये बना दिया? ओ बन जाएगा ना। इसको क्या हो गया? छोड़ दे, इसका दिमाग खराब हो गया है। ओ मगर ये है कौन? अपने बुलबुल बाग को तो नहीं लगता। सब के सब मरेंगे, छोड़ूंगा नहीं किसी को, छोड़ूंगा नहीं किसी को। ओए तेरा बाप का राज है क्या? ये है कौन? लोगों को मारने के लिए? हाँ क्यों, दुकान बंद हो गई क्या? एक बात बता, तू करता क्या है? शमशान में मुर्दों को जलाता है या कब्रिस्तान में कब्रें खोदता है? ओए मैं तो दोनों काम करता हूँ, लोगों को जलाता भी हूँ और लोगों को कब्रों में दफनाता भी हूँ। तुझे क्या पसंद है सरदारा? तमीज से बात कर, और अगर बड़ों से बात करनी नहीं आती ना तो नाम लेकर सरदार जसबीर सिंह सोडी बोल। ए, मैं मुर्दों के नाम नहीं लिया करता, हाँ उनके कफन दफन का इंतजाम जरूर करता हूँ। जसबीर सिंह देर हो रही है, बहुत काम करने, पोस्ट ऑफिस बंद हो जाएगा। खैर ना यार, पहले मैं इसका तो ऑफिस बंद करा दूं। इसके माथे पर गद्दारी का टिकट लगा के, पंजाब का ठप्पा लगाकर पहले मैं इसको जंगल के उस पार तो भेज दूंगा। किसके मुंह लग रहा है? ये कोई आदमी है क्या? बात करे चल। डर गए? कौन डर गया? हाँ मैं डर गया क्या? वो जी डर गया या ये डर गया? महबूब नेशनली, अरे बात बता, हम तुझसे क्यों डरेंगे? अरे बदनसीब, एक मशवरा सुन, सरदार का मशवरा, ध्यान से सुनियो। आज के बाद कभी मेरे मुंह मत लगियो, वरना तेरी जो जुबान है ना, निकाल कर काट कर बाहर फेंक दूंगा। पर बात आ गई तेरे भेजे में या भेजा भी तेरा आधा खाली हो चुका है? ध्यान से, सरदार की बात है, फौजी की बात को कभी भूलियो मत, सरदार से कभी पंगा मत लियो। तू मेरी जुबान काटेगा, मैं तेरी गर्दन नहीं काट दूंगा। तो सरदार काटेगा तेरी जुबान? हाँ मीर साहब, वो महबूब नेशनली के साथ मिलकर किस तरह मेरे अधूरेपन का मजाक उड़ा रहा था कि सिर्फ मैं जानता हूँ। मुझे हथियार चाहिए मीर साहब, मैं उस सरदार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हथियार भी देंगे कादरिया, जरूर देंगे, बड़ी हिफाजत से छुपा के रखे हैं किसी ने वो हथियार, लेकिन पहले वो बंदा तो मेरे हाथ आ जाए। नहीं मीर साहब, मैं इंतजार नहीं कर सकता। और इंतजार तो करना पड़ेगा तेरे को कादरिया। बुलबुल बाग में दो नहीं तीन लाशें गिरेंगी, मेरा वादा है तुझसे, तीन लाशें गिरेंगी, दो उन पंडितों की और एक उस फौजी सरदार की। नहीं, सरदार को तो मैं खुद मारूंगा, मैं उसे दिखा दूंगा कि एक अधूरा इंसान एक पूरे इंसान को किस तरह नेस्त नाबूद कर सकता है। शाबाश शाबाश, अपना ये शौक पूरा कर लेना तो मार के इस बच्चे। ऐसी खुशबू वाली चाय पहले कब पी थी? इलायची, दालचीनी, केसर, बादाम। सच कहूं, जब कभी भी कोई अच्छी चीज बनाती थी तो ये हाथ रुक जाते थे, कुछ भी नहीं खाया जाता था। दादी, अपना घर तो अपना ही घर होता है, फिर चाहे वो कच्ची मिट्टी का ही क्यों ना बना हो। ससुर पलाय,
मेरी उम्र तुम दोनों को लग जाए। जानकी देत, चाय पी रही हूँ अपने पोतों के साथ। साजे आजा। तुम लोग मेरे मुनीर अहमद को क्यों नहीं लेकर आए? अरे बैठ ना, बैठ बैठ, चल तू भी चाय पी। तू पी चाय और बिलाइन को, पोतों को चाय पी। मेरे मुनीर अहमद को क्यों नहीं लेकर आए? वो भी पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुई। आग लगे ऐसी पढ़ाई जो बेटे को माँ से अलग कर, बाप से जुदा कर। मेरा मुनीर अहमद मुझे जरा भी याद नहीं करता क्या? अरे वो तुम्हें बहुत याद करता है। झूठ बोलती हो तुम, किसने कहा तुमसे? अरे बच्चों ने। तुम्हें यकीन नहीं हो तो इनसे पूछ लो। मेरा मुनीर मुझे याद करता है? जी हाँ, वो आपको बहुत याद करता है। फिर आता क्यों नहीं? शायद बस के किराए के पैसे नहीं होंगे उसके पास। अरे नहीं नहीं, उसके पास बहुत पैसे थे, और वो तो ये कह रहा था कि ये सब पैसे ले जाकर मैं अपनी अम्मी को दूंगा, और उसने बहुत सारा सामान भी खरीदा था। आप यकीन करें बहुत जल्द आएगा वो। आएगा? अभी तक तो नहीं आया। इंतजार करते करते मेरा कलेजा छलनी हो गया। इंतजार करते करते मेरी आंखें पथरा गई। नहीं कोबरी, तुम सब मुझे बहलाते रहे, सब माँ के जज्बात से खेलते रहे, सब ने रोती हुई साजिदा को चुप कराने की कोशिश की, सब ने झूठी तसल्लियां, सब ने हाथ बढ़ा बढ़ा कर मेरे आंसू बहने से पहले ही पहुंच दी। तुम सब ने, सब ने अपना फर्ज पूरा किया। अब मुझे माँ को अपना फर्ज पूरा करने का मौका दो। मैं जी भर के रोना चाहती हूँ। कोई मुझे सच सच बताओ, मेरा मुनीर अहमद कहाँ गया? वो आता क्यों नहीं? खुदा के वास्ते कोई तो सच बोले, मेरा मुनीर अहमद कहाँ गया? क्या इस बुलबुल बाग में कोई सच बोलने वाला नहीं बचा? क्या दहशतगर्दों ने सच्चाई को भी मार डाला? दोनों ही तो मेरे लिए मुनीर अहमद जैसे ही हो। मुझे सच सच बता दो, मेरा मुनीर अहमद आता क्यों? मेरा बच्चा आता क्यों? अलीचू आ जाओ। अलीचू आ जाओ, बैठ जाओ।
बैठ जाओ अलीजो, थक गए होगे तुम भाग भाग कर। नहीं जानकी, नहीं, पता नहीं अभी और कितना भागना है। कभी तो दिल में ऐसा लगता है कि मैं साजिदा से कह दूं मुनीर अहमद मर गया। शुभ शुभ बोल, अपनी औलाद के लिए ऐसे लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते। और साजिदा से कुछ भी ऐसी बात मत करना, मर जाएगी वो बेचारी। तो मर जाए ना, रोज रोज घुट घुट कर मरने से तो बेहतर है एक ही बार मर जाए, या फिर ये पता चल जाए कि मुनीर अहमद जिंदा भी है या मर गया। साजिदा के इन रोज रोज के दौरों से छुटकारा तो मिल जाएगा। सच जानकी, ऊब गया हूं मैं, तंग आ गया हूं इन दौरों से। साजिदा की यह हालत मुझसे देखी नहीं चाहती। इम्तिहान के दिन खत्म हो गए, अब तो नतीजे के दिन आ गए। जिस जिसने जो जुल्म सहे, जिस जिसने जो बर्दाश्त किया है, तकलीफें सही हैं, अब उन सबको फल मिलेगा। तो मेरी बात पर विश्वास कर। अब ज्यादा परेशान मत हो, बच्चे ठीक हैं, घर गए हैं अपनी दादी के पास। हाँ विमला, अब चिंता की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ले जगन्नाथ भी आ गया, जगन्नाथ भाई संभाल, इसे परेशान हो रही है। अरे क्या हो गया विमला तुझे, संभाल संभाल अपने आप को संभाल, सब ठीक हो जाएगा। बल्कि सब ठीक ही तो है, बच्चे वहां सलामत है विमला, अपनी दादी के पास है वो। वहां कोई सलामत नहीं है, वहां वो सलामत नहीं है, उनकी जान को खतरा है वहां। अरे कोई खतरा नहीं है उनकी जान को विमला, तुमसे कितनी बार कह चुका हूं मैं, धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं। अरे हम सभी को अपने अपने घरों को लौटना होगा बहुत जल्द। कब? पिछले 10 सालों से मैं यही सुन रही हूँ, आखिर कब वो दिन आएगा? तुम तो रोज अखबार पढ़ते हो ना, क्या लिखा होता है उसमें, कितनी लाशों की तस्वीरें फ्रंट पेज पर होती हैं। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, देखो हमारी सरकार कहती है कि अब... सरकार, सरकार के सीने में माँ का कलेजा नहीं होता, उनकी छाती में आग नहीं लगी, मेरे सीने में आग लगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, महबूब साहब से कह के मुझे मेरे बच्चे वापस दिला दो। मेरा घर चला गया, मैंने शिकायत नहीं, मेरे अपने मुझसे बिछड़ गए, मैंने शिकायत नहीं। मैं अपने घर, अपने आंगन, अपने मोहल्ले से निकाली गई, मैंने शिकायत नहीं। गर्मियों की तपती धूप, चादरों की चार दीवारी को घर समझती रही, सांप और बिच्छू के खौफ से रात रात भर जाकर अपने बच्चों की रखवाली की, मैंने शिकायत नहीं। सर्दियों में बर्फ जैसे सर्द पानी में ठिठुरती रही, मरती रही, मैंने शिकायत नहीं। मैंने कभी कुछ मांगा? अपने पति के दिल से निकली हर आह से मलती रही, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, इसके बदले में मैं तुमसे झोली फैलाकर अपने बच्चे मांगती हूँ। मेरा सब कुछ लूट गया है, मेरी औलाद मुझसे मत छीनो, उन्हें मुझे वापस लौटा दो, मुझे वापस लौटा दो। विमला, विमला अपने आप को संभालो, मैं उन्हें बुलाऊंगा, उन्हें वापस बुलाऊंगा मैं। देख मैंने एक खत डार को तो लिखा ही है, अब तुम चाहती हो तो मैं कल एक और खत लिख देता हूँ। तू हिम्मत मत हार, अपना ख्याल रख, सब ठीक हो जाएगा। अरे कुछ खाएगी तू? थोड़ा सा दाल चावल? मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, तुमने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे तुम भी तो कुछ खाओ। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। चलो ठीक है, मैं आता हूँ हाथ धोके। सुना कुछ? सुना तूने भगवान? तू सुन रहा है ना? मैं क्या करूं, क्या करूं मैं अपने दिल की बात किससे कहूं? अपने मन का बोझ कैसे कम करूं?
भगवान, मेरा दम घुट रहा है भगवान, हे भगवान। विमला और जगन्नाथ परेशान है। जगन्नाथ ने कहा है विमला की हालत ठीक नहीं, बच्चों को लेकर फिक्रमंद है। वो डर की क्या बात है, अभी दादी के पास आए हुए हैं आके। जसवीर भाई, लोगों के दिलों से अभी दहशत कम नहीं हुई है। तो ठीक है डार साहब, लेकिन दहशत को तो कम करना पड़ेगा ना, वरना बाकी लोग वापस कैसे आएंगे? क्यों सुखी साहब? अपनी अपनी जगह सब ठीक है, अगर दोनों बच्चे वापस जाएं तो उनकी माँ को तसल्ली होगी, लेकिन जान की दियत और बुलबुल बाग वालों को अच्छा नहीं लगेगा। और अगर ना गए तो वहां जगन्नाथ और विमला परेशान होते रहेंगे। क्या करें, बच्चों से कैसे कहें कि वो वापस लौट जाएं? मैं दूसरी बार उन्हें घर से नहीं निकाल सकता, पहली बार का खमियाजा अभी तक भुगत रहा हूं। किस्मत को देखो डार, वक्त और हालात ने हमें सोचने से भी माजूर किया है। मैं तो कहता हूं एक काम करो, तुम जगन्नाथ और भाभी को भी बुला लो। ये इतना आसान नहीं है जसबीर, वो जरूर आएंगे, लेकिन थोड़ा वक्त दो, हालात को संभलने दो, ना खास अगर कुछ हो गया तो। और अपनी जान की बाजी लगा देंगे यार। बहुत खून बह चुका जसबीर भाई, अगर प्यार से कुछ हो तो। डार साहब, आपने खत का जवाब दिया? नहीं, मैंने सोचा पहले आप लोगों से मशवरा कर लूं कि हमें क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से आप खत का जवाब दो और उसमें लिख दो कि सब ठीक है, बच्चे भी ठीक है, जानकी की हालत बेहतर है। ठीक है, अच्छा मैं चलूं। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मुझे भी इजाज़त दे मेहमान भाई। चाय पी के जाइए सूफी साहब। अरे नहीं, फिर कभी। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ठीक है मेरे साथ। हमने सारा जंगल छान मारा मेरे साथ, ना तो हथियारों का पता चला ना रशीद का। एक काम करा हैदर जी। मिर साहब, किसी मनियारी की दुकान पर जा और वहां जाकर चूड़ियां खरीद, रंग बिरंगी चूड़ियां और चूड़ियां पहन ले। और किस उल्लू के पट्ठे ने तुमको यहां भेजा? और ये तो बता, तूने आज तक कोई काम किया है? और कभी हथियार चलाया है, बंदूक उठाई है, और जानता है कि हथियार क्या होता है? मीर साहब, मैं अपनी पार्टी का सबसे अच्छा निशानेबाज हूँ। ओए ग्रेल चलाता होगा, कबूतर मारता होगा तू। जनाब, ये तो वक्त ही बताएगा कि हैदर खान की जीत है। चुप होए हैदर खान, चुप। ज्यादा मुंह ना खोल। तुम लोगों की वजह से मेरी कितनी बेइज्जती और बदनामी हुई है ये मैं जानता हूँ। पर बुलबुल बाग वाले मेरे मुंह पर थू थू करेंगे। तो ये काम तुम लोगों के बस का नहीं है। तुम लोग जाओ यहां से। मीर साहब, हम लोग सर पर कफन बांध कर आए हैं। और मैं यहां तेरा फातिया नहीं पढ़ूंगा, समझे? मुझे हथियार चाहिए हैदर खान, हथियार चाहिए मुझे, नहीं तो मुझे रशीद सूफी चाहिए। रशीद को ढूंढ, वो कहां छुप गया? और इसका जमीन खा गई, आसमान निकल गया, और जहाज को ढूंढ हैदर। जा, मेरा मुंह क्या देख रहा है, जा। नमक हराम बंदे, एक बंदे को नहीं ढूंढ सकते। सुबह 8 बजे से तुम अपनी इंग्लिश लिटरेचर थोड़ा और जल्दी कर सकते।